बिहार में दोबारा मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार का नाम तय हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज यानी कि 16 नवंबर शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री के पद पर लगातार 7वीं बार शपथ लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस बीच खबर ये है कि सुशील कुमार मोदी अब बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, अब बिहार के डिप्टी सीएम दो लोग होंगे और वो दोनों हैं। पहला नाम तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार से ताल्लुक रखते हैं और दूसरा नाम है रेणु देवी जो कि बेतिया से ताल्लुक रखती है। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी ली जाएगी और इसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ साथ। तो वहीं आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी को केंद्रीय मंत्री का जिम्मा देने की बातें भी कही जा रही है, ये अटकलें हैं। और इन सबके बीच गिरिराज सिंह ने सुशील कुमार मोदी को खास संदेश दिया है। आपको बता दें दरअसल बिहार में डिप्टी सीएम के नाम पर सस्पेंस के बीच सुशील मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि 40 सालों के राजनीतिक जीवन को याद कर रहा हूं। उन्होंने जिक्र किया 40 सालों में बीजेपी और संघ परिवार ने उन्हें काफी कुछ दिया है। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिखा, आदरणीय सुशील जी आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट में सर्वसम्मति से विधानमंडल दल के नेता चुने जाने पर तारकिशोर प्रसाद को भी बधाई दी है। बताते चलें कि बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद अब सरकार के गठन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और आपको बता दें कि रविवार को भी अहम बैठक में नीतीश कुमार एनडीए का नेता चुन लिया गया, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम पद पर सुशील कुमार मोदी अब नहीं होंगे। और इसको लेकर सुशील मोदी ने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि वो हमेशा बीजेपी के कार्यकर्ता तो रहेंगे, उनसे कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। जिस पर गिरिराज सिंह ने उनके ट्वीट पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कोई पद भी छोटा या बड़ा नहीं होता, आप बीजेपी के नेता ही रहेंगे। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।